इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है। चुनाव प्रचार से लौटते वक्त असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई। हापुड़ के पिलखुआ टोल प्लाजा पर हुआ हमला, बमुश्किल बचे ओवैसी। मेरठ से दिल्ली लौटते समय पिलखुआ टोल प्लाजा पर चली गोली, ओवैसी की गाड़ी पर 3 से 4 राउंड हुई फायर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यूपी के हापुड़ से, जहां चुनाव प्रचार से लौटते वक्त असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई है, जिसमें बमुश्किल बचे हैं ओवैसी। हापुड़ के पिलखुआ टोल प्लाजा पर यह हमला हुआ है, जिसमें उनके काफिले पर फायरिंग की गई। मेरठ से दिल्ली लौटते समय पिलखुआ टोल प्लाजा पर यह गोली चली है, ओवैसी की गाड़ी पर 3 से 4 राउंड ये फायरिंग हुई। हापुड़ से आलम टाइगर की खास रिपोर्ट। बहुत जल्दी पहुंचेंगे और कठोरतम कार्रवाई। सर इसमें एक सवाल, ये जो जिसको हिरासत मिली है, क्या उसने क्या बताया, क्या कोई बयानों से इनके नाराज था चुनाव के दौरान? इट इज वेरी प्रीमैच्योर, अभी बहुत क्या प्रोफाइल है सर? अभी पूछता है, कोई प्रोफाइल नहीं है। और जो लोग ये बताते हैं उनका भी नाम करना बाकी है। क्या 9 mm से फायर वगैरह हुआ? अभी ऐसा कुछ नहीं है, और मैं इसको पूरी तरह से डिटेल गहराई से पूछताछ स्वयं करूंगा अभी इन लोगों से। जिसको सर राउंड कितने चले हैं बता, इसको एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाएगा अभी। हाँ। ये अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी है। हाँ। एक व्यक्ति जो संदिग्ध परिस्थिति दिखाई दी है, उस बेसिस पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। हाँ। उसको हिरासत में लेने के पश्चात पूछताछ की जा रही है, और बहुत जल्दी हम लोग इसको लॉजिकल एड में लेंगे। नाम क्या सर? जो वो नाम बता रहे हैं वो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, उसको हम उसके गाँव से वेरीफाई कर लेते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि ये नाम थे। अक्सर ऐसा होता है लोग कुछ भी नाम बताते हैं, वो चलने लगता है। सीसीटीवी फुटेज में क्या है? सीसीटीवी फुटेज आपने देखा होगा? सीसीटीवी फुटेज में लग रहा है कि हाँ, एक दो लोग वहाँ पर संदिग्ध स्थिति में है। सर क्या फॉलो वगैरह कर रहे थे इनको? वैसे साहब को किसी को इसको देखना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।